हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर्स। तो ऐसे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ फोर लेग स्टिरअप, यानी कि हम फोर लेग स्टिरअप की कटिंग लेंथ हम कैसे निकालते हैं, इस बारे में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दिए, अगर चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, साथ अपने मैं टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक ही कॉलम का एग्जांपल ले लिया है, जिसके अंदर की फोर लेग स्टिरअप प्रोवाइड किया गया है, जिसकी कॉलम की साइज़ है क्या 600 mm by 500 mm। ठीक है, तो इसके अंदर हमें फोर लेग स्टिरअप की हमें कटिंग लेंथ निकालना है, जिसके अंदर की टू रिंग प्रोवाइड की गई है। ठीक है, और गिवन डाटा है क्या, क्लियर कवर जो प्रोवाइड किया गया है वो है 30 mm। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 30 mm है। ठीक है, चारों साइड। और इसके बाद स्टिरअप डाया जो है, यानी कि स्टिरअप जो इसके अंदर यूज़ किया गया, उसकी जो डाया है वो 8 mm है। ठीक है, यानी कि ये जो स्टिरअप है वो 8 mm डाया का है, और मेन बार डाया जो है वो 20 mm है, यानी कि ये जो मेन बार आपको रेड कलर की दिख रही है उसकी डाया कितनी है 20 mm है। ठीक है, तो अब हमें इसकी कटिंग लेंथ निकालना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें ये टू रिंग्स प्रोवाइड की गई है। ठीक है, टू स्टिरअप प्रोवाइड किए गए हैं, तो हमें एक स्टिरअप का निकाल लेना है, क्योंकि ये दोनों स्टिरअप ही सेम साइज़ के हैं। ठीक है, तो एक का निकाल लेंगे तो दोनों का आ जाएगा। तो एक का निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें जो ये हमारी टोटल लेंथ है, ठीक है, उसमें से हमें क्या माइनस करना होगा, क्लियर कवर 2 times। ठीक है, उसके बाद हमें माइनस करना होगा क्या, डाया ये। ठीक है, ये दोनों साइड की स्टिरअप की ये डाया हमें माइनस करना होगा, और क्या माइनस करना होगा, हाफ ऑफ डाया कॉन मेन बार। ठीक है, तो हम यहाँ सेंटर पे चले आएंगे मेन बार की, फिर उसके बाद उसमें हमें 3 से डिवाइड करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3, ये तीन मतलब कि यहाँ पार्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये 3 पार्ट्स मिल जाएंगे। फिर जो मतलब कि हमारा आंसर आएगा उसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें इस सेंटर से इस सेंटर तक ये वाली बार के वो हमें लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना होगा कि हमें और ऐड कर देना होगा हाफ डाया मेन बार की, तो हम मेन बार के इस पॉइंट तक आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या ऐड करना होगा, हाफ डाया ऑफ कौन सी, ये हमारा जो ये स्टिरअप दिख रहा है आपको, उसको हमें ऐड कर देना होगा। ठीक है, तो हमें ये स्टिरअप की सेंटर में हम यहाँ पर आ जाएंगे, तो हमें ये जो ए लेंथ दिख रही वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, और हमें उसके बाद क्या निकाल लेना होगा, बी। ठीक है, तो बी, ए और बी हमारा जब निकल जाएगा तो हमें स्टिरअप की कटिंग लेंथ आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही फोर लेग में हमें थोड़ी दिक्कत होती है कि हमें ए की लेंथ हमें निकालने में थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक रफली फिगर में आपको समझा देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये एक क्या है, हमारा कॉलम है। ठीक है, जिसमें ये मेन बार ये प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो हमें इसमें जो निकालना है वो सबसे पहले ए निकालना है, यानी कि जो ये स्टिरअप ऐसे आएगा यहाँ पास से, ये ऐसे आएगा और यहाँ पास से जाएगा। ठीक है, एक स्टिरअप जो जाएगा यहाँ पास ऐसे ये जाएगा, तो हमें यहाँ से लेके ये इसके सेंटर से यहाँ तक की जो ये लेंथ है वो हमें ए निकालना है। ठीक है, तो ये ए लेंथ हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ये टोटल लेंथ हमारी कितनी है, वो हमारी 500 mm। ठीक है, टोटल लेंथ 500 mm है, तो हमें क्या करना होगा, 500 में से माइनस करना होगा कितना, 2 times क्लियर कवर। ठीक है, 2 times क्लियर कवर हमारा कितना हो जाएगा, 2 times क्लियर कवर माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद माइनस स्टिरअप डाया। ठीक है, 2 times यानी कि स्टिरअप की जो ये डाया है ये दोनों साइड से हमें माइनस करना होगा, मतलब कि जो ये यहाँ वाले स्टिरअप जो ये वाला जाएगा सेकंड वाला, ठीक है, ऐसे। ठीक है, उसकी अब हमें स्टिरअप डाया यानी कि एक साइड किधर की स्टिरअप की, एक साइड किधर की, तो माइनस 2 स्टिरअप डाया माइनस कर देंगे तो हम ये इस पॉइंट पर हम आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें इसमें माइनस करना होगा क्या, माइनस 2 times क्या माइनस करना होगा, मेन बार डाया। ठीक है, डाया ऑफ मेन बार। ठीक है, ये जब हम कर देंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये इसके ये सेंटर पे और यहाँ पास, यानी कि ये हमें लेंथ और यहाँ तक की ये हमें लेंथ मिल जाएगी यहाँ तक की। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की हमें ये लेंथ मिल जाएगी, मान लीजिए ये हमारी वाई है। ठीक है, तो ये हमें वाई लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये कितने पार्ट हैं, 1, 2, 3 है। ठीक है, ये 3 parts है, तो हमें क्या करना होगा इस पूरे में, ठीक है, ये पूरे में हमें 3 से हमें डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें ये 1 part की यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें ये लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, इसके सेंटर से यहाँ तक की मान लीजिए वो एक्स है। ठीक है, तो यहाँ तक की ये लेंथ हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये लेंथ मिल जाएगी इसके बाद, तो उसके बाद जो हमारी जो वैल्यू आएगी उसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, इनटू क्या करना होगा, 2, जो यानी कि जो ये वैल्यू आएगी इसके बाद से
उसमें हमें इंटू टू करना होगा, ठीक है। इंटू टू करने के बाद हमें क्या करना होगा, यानी कि हमें इसके सेंटर से यहाँ तक की लेंथ मिल जाएगी अगर हम इंटू टू कर देंगे, ठीक है। तो ये मान लिया हमारी क्या आ गई जेड, तो ये लेंथ हमें मिल जाएगी जेड, ठीक है, टू करने के बाद। उसके बाद हमें क्या करना होगा कि प्लस क्या करना होगा, टू टाइम ये हाफ डाया यानी कि मेन बार हम प्लस कर देंगे, ठीक है, टू इंटू मेन बार डाया, ठीक है, मेन बार डाया ये कर देंगे। और क्या करना होगा, प्लस टू इंटू ब्रैकेट में ये रहेगा, ठीक है, ये जो आपका स्टिरफ है हाफ डाया ऑफ किसकी, ये हाफ रहेगा, हाफ रहेगा मेन बार यहाँ। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ठीक है, इस तरह करके जो मतलब कि अब हमारा जो सोल्यूशन आएगा उससे हम ये ए जो लेंथ है हमारी वो हमें मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पास से जो ये स्टिरफ गया रहेगा ऐसे ये वाला, ठीक है, तो यहाँ तक की जो ए वाली लेंथ है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन में देख लिए, कैलकुलेशन में वही सेम हुआ है, यहाँ पे ए की वैल्यू के लिए क्या करना, 500 यानी कि ये टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू क्लियर कवर यानी कि 2 टाइम ये क्लियर कवर माइनस कर दिया, उसके बाद माइनस 2 इंटू स्टिरप डाया यानी कि ये स्टिरप जो हमारा है वो 2 टाइम माइनस कर दिया, तो हमें ये यहाँ पर हम पहुँच गए, ठीक है, यानी कि ये जो हमारी मेन बार है उसके इस साइड, ठीक है, अभी मिड में नहीं पहुँचे। उसके बाद माइनस हाफ ऑफ डाया ऑफ मेन बार, तो हाफ ऑफ डाया मेन बार कर देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, ये सेंटर जो यानी कि जो मेन बार हमारी ये दोनों वाली, इन दोनों के मिड पोर्शन यहाँ तक कि हमें लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। उसमें हमें डिवाइड कर देना होगा 3 से, ठीक है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा किस पार्ट की हमें लेंथ, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये सेंटर से सेंटर तक हमें ये लेंथ मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 ये 3 पार्ट हैं, इसलिए 3 से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 3 का डिवाइड आपको पता चलेगा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा इसमें, इंटू 2 से, ठीक है, इंटू 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 यानी कि 1 की लेंथ ये है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये लेंथ है वही लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की भी है, सेम है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये इस मेन बार के सेंटर से इस बार के सेंटर तक ये हमें लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें प्लस करना होगा क्या, 2 इंटू हाफ ऑफ मेन बार यानी कि मेन बार के हाफ डाया हम प्लस कर देंगे, ठीक है, तो दोनों साइड तो हम यहाँ कॉर्नर पर आ जाएंगे। उसके बाद प्लस 2 इंटू हाफ ऑफ स्टिरप डाया यानी कि स्टिरप के हाफ डाया जब हम प्लस कर देंगे तो हमें ये ए मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि हमें स्टिरप के ये सेंटर से इस सेंटर तक के यहाँ तक के हमें ये लेंथ मिल जाएगी टोटल ए, ठीक है, तो हमें ये हमारा ए यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो बस हम वैल्यू अप पुट कर देते हैं फिर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ए इज इक्वल टू 500 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, क्लियर कवर हमने 30 mm लिया था, ठीक है, 2 इंटू 30 माइनस 2 इंटू स्टिरप डाया, स्टिरप डाया हमारी कितनी थी 8 mm, ठीक है, तो माइनस 2 इंटू 8 mm ये हो गया। फिर हम माइनस 2 इंटू 10 यानी कि हमारा ये 2 इंटू हाफ ऑफ डाया मेन बार, मेन बार हमारी कितनी mm की थी, वो थी हमारी 20 mm की, ठीक है, mm बार डाया, तो ये हो गया। डिवाइड बाई 3 क्योंकि यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि एक पार्ट की हमें निकालना है लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की सेंटर की, तो इसलिए यहाँ 3 से डिवाइड हो गया। इंटू 2 क्योंकि हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की लेंथ चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ हमारी सेम होगी, ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें ये लेंथ मिल जाएगी। उसके बाद प्लस 2 इंटू 10 यानी कि हमारा 2 इंटू हाफ ऑफ मेन बार, ठीक है, तो यहाँ मेन बार से यहाँ से यहाँ प्लस कर देंगे तो हमें इस कॉर्नर तक की हमें लेंथ मिल जाएगी, ठीक है, यानी कि मेन बार और स्टिरफ के बीच की जो ये लेंथ होगी यहाँ पास से और यहाँ पास की, ठीक है, वो हमें मिल जाएगी। उसके बाद प्लस 2 इंटू 4 यानी कि 2 इंटू हाफ ऑफ डाया ऑफ स्टिरफ यानी कि स्टिरफ के सेंटर से इस स्टिरफ के सेंटर तक की हमें लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। तो एक अब हम कैलकुलेशन कर लेंगे, सारी वैल्यू हमने पुट कर दी है तो आ जाएगा आंसर ए इक्वल टू 297.33 mm, ठीक है, तो ए की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें इसी तरह बी निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स अब देख लिए बी के लिए कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक ये रफली फिगर बनाया हुआ है बी के कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, तो हमें कैसे निकालना है बी की कैलकुलेशन, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक की ये टोटल लेंथ हमारी कितनी है, वो हमारी 600 mm, ठीक है, 600 mm है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की इन टू इंट लेंथ है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, माइनस 2 इंटू क्लियर कवर यानी कि ये 2 टाइम यानी कि ये कवर और ये कवर हम माइनस कर देंगे तो हमें ये यहाँ तक यानी कि स्टिरप के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की हमें लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें माइनस क्या करना है, माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ डाया ऑफ स्टिरप यानी कि स्टिरप के ये सेंटर से इस सेंटर तक की हमें ये लेंथ मिल जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब की दिक्कत नहीं है, जो हमें दिक्कत आ रही थी वो किस में आती है, वो हमें ए में आती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि बी की हमें लेंथ कैसे निकालनी है,
यानी कि हमें क्या करना होगा, सिंपली टोटल जो ये लेंथ है उसमें से हमें टू टाइम क्लियर कवर माइनस कर देंगे तो स्टरफ के स्पॉन्ट से स्पॉन्ट तक की हमें लेंथ मिल जाएगी। उसके बाद हाफ ऑफ डाया ऑफ स्टरफ माइनस कर देंगे तो हमें बी की लेंथ मिल जाएगी, यानी कि स्टरफ के यहाँ इस सेंटर से यहाँ सेंटर तक की ये लेंथ हमें बी मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स बी इज इक्वल टू 600 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ स्टरफ ऑफ डाया। ठीक है, तो 600 एमएम ये लिख दिया, 2 इंटू क्लियर कवर, क्लियर कवर हमारा कितना था 30 एमएम, तो ये हो गया माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ स्टरफ डाया, तो 2 इंटू स्टरफ डाया कितनी थी हमें 8 एमएम, तो 8 का हाफ कितना होगा 4। ठीक है, तो 2 इंटू 4 तो आ जाएगा कैलकुलेशन करने पे कितना 532 एमएम, तो यहाँ पे बी की हमें वैल्यू मिल गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें ए और बी की दोनों ही हमें वैल्यू मिल गई। तो अब हम कटिंग लेंथ रिंग वन निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम निकाल लेते हैं क्या कटिंग लेंथ ऑफ रिंग वन। ठीक है, तो यानी कि रिंग वन की हम कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला आप देख लिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 2 इंटू ए, यानी कि ये हमारा जो एक यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमने लेंथ अभी ए निकाली थी वो हमें 2 टाइम लेनी होगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद प्लस 2 इंटू बी। ठीक है, 2 इंटू बी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बी की लेंथ एक ये है एक ये लेना हमें। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 2 इंटू बी हो गया। उसके बाद प्लस 2 इंटू 10d, यहाँ पे 10d क्यों करने हैं, क्योंकि जो हुक लेंथ हम लेते हैं वो 10d लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ये हमारी 10d रहेगी, और यहाँ पे 2 हुक रहेंगे एक रिंग में। ठीक है, यानी कि ये वाली जो एक रिंग है ब्लू वाली उसमें 2 हुक रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, उसके माइनस 3 इंटू 2d, यहाँ माइनस 3 इंटू 2d क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो बार हम जब बैंड करते हैं तो उसमें एलोंगेशन होता है। ठीक है, तो जो एलोंगेशन होता है उसे हमें माइनस करना होता है। ठीक है, और जब हम 90 डिग्री बैंड करते हैं तो वहाँ पे 2d बैंड एलोंगेशन होता है। ठीक है, तो हमें वहाँ पे 2d हमें माइनस करना होता है, और जितने टाइम होता है उतने टाइम में माइनस करना होता है। तो यहाँ पे 3 टाइम बैंड एलोंगेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू 2d ले रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि कहीं भी अगर 45 डिग्री बैंड एलोंगेशन हो रहा होता है तो वहाँ पे 1d लिया जाता है, और कहीं पर 135 डिग्री तो वहाँ पर 3d, और यहाँ पर 180 डिग्री तो वहाँ पर 4d लिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू 2d आप समझ गए क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बैंड है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, माइनस 2 इंटू 3d, यानी कि यहाँ पे जो ये बैंड हो रहा है हुक, ठीक है, वो हमारा कितने डिग्री पे हो रहा है, वो हमारा हो रहा है 135 डिग्री पे। ठीक है, तो 135 डिग्री पे जब होता है तो वहाँ पे हम 3d लेते हैं बैंड एलोंगेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, 2 इंटू 3d, यानी कि यहाँ पे 2 हुक हैं, तो यानी कि 2 टाइम हो रहा है यहाँ पे बैंड एलोंगेशन 135 डिग्री, तो यहाँ पे माइनस 2 इंटू 3d हो गया। तो आपको सारी वैल्यू पता चली कहाँ से कैसे रखनी है, तो अब हम वैल्यू अपनी रख देते हैं। तो फ्रेंड्स 2 यहाँ रख दिया, ए की वैल्यू हमारी कितनी थी 297.33, उसके बाद प्लस, ठीक है, उसके बाद 2 इंटू बी की वैल्यू, तो 2 इंटू बी की वैल्यू 532 आई थी, उसके बाद प्लस, ठीक है, उसके बाद 2 इंटू 10d, तो 2 इंटू 10d की वैल्यू हमारी कितनी, स्टरफ की डाया वो हमारी 8 mm थी। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है मैंने, तो यहाँ पर 8 हो गया 10 इंटू 8, उसके बाद माइनस 3 इंटू 2 इंटू 8, यानी डी की वैल्यू हमारी जो है डाया ऑफ स्टरफ वो 8 mm है, तो ये हो गया। उसके बाद माइनस 2 इंटू 3 इंटू 8, यानी कि डाया ऑफ स्टरफ, तो ये वैल्यू सारी रख दी। अब इसको हमें कैलकुलेशन कर लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 594.66, उसके बाद प्लस, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो आ जाएगा कितना 1064, प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 160, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 48, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 48। ठीक है, तो अब इनको हमें सॉल्व कर लेना है तो आ जाएगा कितना 1722.66 mm। ठीक है, तो ये हमारी mm में वैल्यू आ गई, जिसे हम मीटर में कितना लिख सकते हैं 1.72 meter। ठीक है, तो यानी कि रिंग वन की जो हमारी ये है, जो ये हमारी रिंग वन ब्लू वाली, उसकी हमें कटिंग लेंथ मिल गई है। अब इसी तरह हमें क्या कर लेना है कि अब फॉर रिंग टू, यानी कि रिंग टू के हमें कैसे निकालना होगा, ए और बी जब हमारा सेम है, ठीक है, यानी कि ए की लेंथ और बी की लेंथ दोनों में ही हमारी सेम रहेगी, तो हमारी कटिंग लेंथ क्या हो जाएगी, वो भी सेम रहेगी, यानी कि जो रिंग वन की आई है वही हमारी रिंग टू की रहेगी। तो रिंग टू की लेंथ कितनी हो जाएगी 1722.66 mm, और जिसे हम मीटर में कितना कह सकते हैं 1.72 meter। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिंग वन और रिंग टू की दोनों ही हमारी कटिंग लेंथ निकल कर आ गई है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।